हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और होपफुली आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। अगर आपने मेरे चैनल को लाइक नहीं किया है तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। देखते हैं, इसके लिए दिल से शुक्रिया। पहले ही बोल दिया क्योंकि लोग एंड तक देखते नहीं हैं व्लॉग और बस फास्ट फॉरवर्ड में देख कर छोड़ देते हैं। तो खैर, आज का व्लॉग जो है बहुत यूनिक होने वाला है, तो प्लीज जरूर देखिएगा। कुछ चीजें मैंने अपनी लाइफ में चेंज की हैं, क्योंकि लाइफ क्या होता है कि जब एक जगह स्टक हो जाती है ना, तो फिर जिंदगी जीने का मजा खत्म होने लगता है। सब कुछ एक जैसा एक जैसा एक जैसा ही होता है ना। अब मतलब बहुत कुछ सोचना पड़ता है कि क्या इसमें चेंज लाएं, क्या चीज नया कर सकते हैं, है ना। तो मैंने वही एक कोशिश की है थोड़े बहुत चेंजेस लाने के लिए, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है, थोड़े चेंजेस मुझे अच्छे लगते हैं जो पॉजिटिव होते हैं और जो लाइफ में एक पॉजिटिव वाइब्स देते हैं, अच्छे लगते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। बदले आप अगर ये वाला हेयर कलर लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा और ये बहुत लॉन्ग लास्टिंग भी रहता है और आपकी बालों की केयर के लिए भी बहुत अच्छा है। तो आप ये ऑप्शन ले सकते हैं, राइट। आज देखो, ये मेरे को तोते ने काट लिया था, जो फीमेल पैरेट है उसने काट लिया था। तो आज मैंने ड्राइंग टिप, मतलब मेरी काफ़ी बुरी हालत थी, ये देखिए ये ब्लड लगा हुआ है। तो लड़कियां होती खैर तीखी हैं। और दूसरा मैंने अपनी लाइफ में चेंज लाया है, ये मैंने ऑयल बॉटल्स लिए थे, ठीक है, जो आपको दिख रहे होंगे, जूम करती हूँ, ये देखिए इनकी स्किन निकल गई है। तो विकास ऐसा बोल रहे थे कि ये हेल्दी बिल्कुल नहीं है, तो मैंने ऑयल डिस्पेंसर्स भी चेंज किए हैं और इसकी जगह मैंने लिया है ये वाला। ये डीमार्ट में मिला था 279। तो अब पता नहीं ऑनलाइन कितने का मिलता है, क्योंकि डीमार्ट हम लोग गए थे और डीमार्ट में मैंने ये ले लिया था। तो खैर ये है, ये मैंने एक उसके लिए ले लिया है, किसके लिए, एक रिफाइंड ऑयल के लिए और एक लिया है मैंने मस्टर्ड ऑयल के लिए। और ये मैं जो है खड़े मसाले इसमें रखती थी, हालांकि कोई प्रॉब्लम नहीं थी, चल रहा था काम, ठीक है, काम चल रहा था, पर मुझे लग रहा था कि नहीं, अब ये काफ़ी पुराना हो चुका है तो मैंने इसे रिप्लेस किया। और मुझे क्या चाहिए था, ट्रांसपेरेंट चाहिए था, ठीक है। तो ट्रांसपेरेंट मुझे स्टील में नहीं मिला, तो ये मैं लेके आई हूँ। स्टील जिस दिन मिल जाएगा तो स्टील का ले लूँगी। तो ये चीज़ मैंने इससे इसको रिप्लेस किया है। तो आप लोग बताइएगा कि कैसा ऑप्शन है ये। नहीं, कई लोग घर में फेशियल्स करते हैं, मैं अपना फेशियल खुद से करती हूँ, क्योंकि मुझे बाहर का फेशियल उतना ज़रूरी नहीं लगता। और पता नहीं कई लोग क्या होता है कि क्रीम दूसरी यूज़ करते हैं और फेशियल कोई दूसरा करते हैं, तो मैं अपना फेशियल खुद करती हूँ। तो क्या था, पहले मैं हाथ से फेशियल करती थी, फिर मैंने एक दो शॉर्ट्स देखे तो मुझे लगा कि इसे मैं ट्राई करती हूँ, तो मैंने इसका रिप्लेसमेंट किया है। रिप्लेसमेंट इन द सेंस, मतलब मैं हाथ से फेशियल करती थी तो हाथ की जगह मैंने जिन चीज़ों का यूज़ करना शुरू किया है वो है ये, और एक ये है स्टोन। और यकीन मानिए ये वाकई बहुत अच्छा था और मैंने इसे दो तीन बार यूज़ किया है, फेशियल करते समय नहीं, जस्ट रात में मैंने क्रीम लगाई और उसके बाद इसको रब किया है। तो बहुत सारे आपको शॉर्ट्स या ये सब मिल जाएंगे जिसमें इसका यूज़ दिखा देंगे। अगर आपको नहीं मालूम है तो मैं इसका एक अलग ब्लॉग बना दूंगी। हाँ, तो मैंने जब इसे यूज़ किया तो वाकई एक फेस में, जिसे कहते हैं ना, बहुत गर्म सा लगा। तो ये ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाने के लिए बहुत अच्छी चीज़ है, तो आप इसे भी यूज़ कर सकते हो और ये चेंज आपको बिल्कुल घाटे का नहीं लगेगा। और मैंने फ्रिज में रखने के लिए ये कंटेनर्स लिए हैं और बहुत अच्छे रेट्स पे मिल गया मुझे। ये एक कंटेनर था 79 रुपीज़ का, मैंने इसे ऐसे 6 कंटेनर्स लिए हैं फ्रिज में रखने के लिए। सामान कई बार सब्जी बच जाती है, दाल बच जाती है, आटा होता है, और ग्लास के बाउल्स आजकल सेफ रहते हैं तो मैंने ग्लास का ही लिया है। अच्छा, एक्चुअली क्या होता है कि जब आप धनिया पुदीना ये सब चीज़ें लेने जाते हो ना, तो वो ये पॉलीथिन्स में देते हैं, ठीक है, मैं आपके सामने ही निकाल रही हूँ, ठीक। तो ये धनिया की कंडीशन ऐसी है इसमें, ठीक है, है ना। और ये मैंने लगाया रखा है जिप लॉक बैग में, ठीक। जिप लॉक बैग में धनिया ये मैंने ली थी वेडनेसडे को,
ये वेडनेसडे को धनिया लाई थी और ये मैं लाई थी सैटरडे को, क्योंकि मुझे धनिया पुदीना लगता है घर में होना चाहिए, तो मैं कभी भी जाती हूँ तो एक गड्डी या दो गड्डी उठा ही लाती हूँ। और पुदीने की भी कंडीशन आप देखिए ऐसी ही है। तो चेंजेस हमेशा खराब नहीं होते हैं, कुछ चीज़ें बहुत अच्छी होती हैं और हमें चेंज करना चाहिए। तो ये ज़िपलॉक बैग भी मुझे बहुत सस्ते मिले थे, अमेज़ॉन से ही मैंने लिए थे, और अमेज़ॉन में अभी रिपब्लिक सेल चल रही है तो काफ़ी चीज़ रिजनेबल चीज़ रेट्स में सारी चीज़ें मिल रही हैं। और जिप लॉक मैंने बॉक्स भी ले सकती थी, पर बॉक्स इसलिए नहीं लिए कि बॉक्स जगह बहुत घेरते हैं, और ये इस टाइप से पाउचेस बना देते हैं तो ये कहीं पे भी एडजस्ट हो जाते हैं और इजीली कई सारी चीज़ें एक साथ रखी जा सकती हैं, तो आप लोग भी ले सकते हो। और जिप लॉक बैग में मैंने आपको दिखाया है कि कितना डिफरेंस है चीज़ों में। एक पॉलीथिन में धनिया बंधी हुई रखी थी, और पॉलीथिन पता नहीं वो हाइजीनिक है नहीं है, आजकल प्लास्टिक्स भी कई तरह के होते हैं, तो इसलिए मैंने ज़िपलॉक बैग लिया था। और इसमें तीन मुझे मिले थे, बिग, मिडल और स्मॉल साइज़। तो ये तीनों ही मतलब हर तरह के, जैसे स्मॉल साइज़ जो था, मिडल वाला जो साइज़ था उसमें 1/2 kg भिंडी आराम से आ जा रही थी, और मैंने पॉलीथिन में रखी थी तो काफ़ी भिंडी इसमें ख़राब भी हो गई थी। तो इसलिए मैं सजेस्ट करूँगी कि अगर आप पॉसिबल हो तो आप ज़िपलॉक बैग ले सकते हो। होप आप लोगों को मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगेगा। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।